सरकार जो है स्पॉन्सर करा रही है, पूरा काला बाजार जो है फैल चुका है। बिहार में शराबबंदी है। नीतीश कुमार हर मंच से शराबबंदी को लेकर के अपनी बात कहते हैं कि बिहार में इसकी वजह से बड़ा सुधार आया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इससे अलग बयान दिया है। तेजस्वी यादव साफ तौर पे कहते हैं कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में एक काला कारोबार, एक पैरेलल इकोनॉमी जो है वो खड़ी हो गई है। तेजस्वी यादव से मीडिया के लोगों ने जब सवाल किया तो शराबबंदी पर तेजस्वी यादव ने पटना में क्या कुछ कहा, सुनिए इस पूरे बयान। हम तो पुलिस वाले हों या बिहार में, ऐसा नहीं है केवल पुलिस वाले ही पी रहे हैं, शराब अच्छी संख्या में यहाँ आ रही है। आश्चर्य बात है कि पकड़े गए, लेकिन ये जो ट्रक पकड़ा आता है, ट्रक का मालिक कौन है? ये जहाँ से शराब बनती है, जहाँ से उठती है शराब, ये कौन सी जगह है? आज तक इस पर क्यों नहीं प्रयास किया गया कि वैसे प्लांटों पर जहाँ शराब बन रही है, जहाँ से शराब लोड किया जा रहा है, उन पर छापे पड़े कि अगर बिहार से बाहर से आ रही है तो क्या राज्य सरकार दूसरे राज्यों में जाकर के कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखने वाली बात है। अगर नहीं तो ये सुनियोजित ढंग से ये सरकार जो है स्पॉन्सर करा रही है, पूरा काला बाजार जो है फैल चुका है। हम लोग नशा मुक्ति के खिलाफ हैं, नशा मुक्त होना चाहिए लोगों को, लेकिन आप देखिएगा सरकार में रहते हुए लोग जो हैं शराब बिकवाने का काम कर रहे, पिलाने का काम कर रहे हैं। आज होम डिलीवरी हो रहा, हमने तो पूछा है सवाल, बताएं हो रहा है क्योंकि हम तो पुलिस वाले हों या बिहार में, ऐसा नहीं है केवल पुलिस वाले ही पी रहे हैं, शराब अच्छी संख्या में यहाँ आ रही है। आश्चर्य बात है कि पकड़े गए, लेकिन ये जो ट्रक पकड़ा आता है, ट्रक का मालिक कौन है? ये जहाँ से शराब बनती है, जहाँ से उठती है शराब, ये कौन सी जगह है? आज तक इस पर क्यों नहीं प्रयास किया गया कि वैसे प्लांटों पर जहाँ शराब बन रही है, जहाँ से शराब लोड किया जा रहा है, उन पर छापे पड़े कि अगर बिहार से बाहर से आ रही है तो क्या राज्य सरकार दूसरे राज्यों में जाकर के कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है,